नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर की सीआईए स्टाफ की टीम ने गैंगस्टर घनश्याम पुरिया गैंग के 5 सदस्यों को मुठभेड़ के दौरान किया काबू। 1 पिस्तौल, 32 बोर, 7 जिंदा रौंद, 3 खोल, 1 वर्णाकार और 5 मोबाइल फोन किए बरामद। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने नशीली दवा की तस्करी करने वाले 5 आरोपियों को किया काबू। 32 ग्राम हेरोइन, 35 नशीली गोलियां और 12 बोतल अवैध शराब की बरामद। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष में गुरुद्वारा सिंह सभा मोहल्ला गोविंदगढ़ से निकाला गया नगर कीर्तन। संगत ने जगह जगह लंगर लगाकर और पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के गांव कलेर में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जिसमें गैंगस्टर घनश्याम पुरिया गैंग के 5 साथी अपनी कार में जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया और जब पुलिस उनके नज़दीक गई तो उन्होंने गोलियां चला दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी उन पर गोलियाँ चलाई, जिसके एक गैंगस्टर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अमृतसर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी द्विहात चरणजीत सिंह सोहल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सीए की स्टाफ ने 5 शूटर्स को काबू किया है, जिनकी पहचान खुशप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह निवासी तरन तारण, चंदन सिंह निवासी चूसलेवाल तरन तारण, जशनप्रीत सिंह निवासी तरन तारण, गुरमनप्रीत सिंह निवासी पट्टी तरन तारण के तौर पर हुई है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 पिस्तौल, 32 बोर, 7 जिंदा रौंद, 3 खोल, 1 वर्णाकार और 5 मोबाइल फोन बरामद किए। उन्होंने बताया कि पकड़े गए सभी शूटर्स विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के कहने पर टारगेट किलिंग को अंजाम देते थे। इनमें से 2 शूटर खुशप्रीत सिंह और हरप्रीत सिंह ने दिवाली से एक दिन पहले तरन तारण के गांव खरियाला में गोली चलाई थी। उन्होंने बताया कि ये अपने कुछ और साथियों के साथ राम तीरथ रोड पर वरना गाड़ी में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि इन सभी के खिलाफ थाना लोपोके में मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस अमृतसर देहाती पुलिस वालों वख वख मुकदमियां दे विच जो रिकवरी हुई है उस दे रिगार्डिंग ते जो इन्हां दे विच दोषियों की गिरफ्तारी हुई है उस दे रिगार्डिंग रखी गई है। पहला एक सैपरेट मुकदमे दे विच कल जिहड़ा एक ब्रीफ एनकाउंटर तो बाद 5 मुलजमां दी जिहड़ी गिरफ्तारी हुई है उस संबंधी है। इहदे विच जो रूटीन दे विच नाकाबंदी की जाती है पुलिस वालों, उस दौरान जो है एक वरना गड्डी हरियाणा नंबर दी उन्हों इंटरसैप्ट किया गया सी, बिकॉज उन्हों जो इशारा किया गया रुकन वास्ते वो ड्राइवर ने गड्डी पुजाई, फिर उस तो बाद जो इन इंटरसैप्ट करके रोकया गया तो उस विचों एक नौजवान ने पुलिस पार्टी से गोली चलाई। बाद जो उसनों तस्दीक किया गया खुशप्रीत नाँ का एक गैंगस्टर निकलिया। ये 5 बंदियां दी व्यक्तियां दी गिरफ्तारी हुई है। ये 5 व्यक्ति जिहड़े हैगे ने इन्हां ये खुशप्रीत सिंह जो कि बरवाले दा रहने वाला, ये 5 जिहड़े ने पहला तरन तारण दे रिहायशी ने, खुशप्रीत सिंह रेजिडेंट जिहड़ा हैगा ये बरवाले दा है, चंदन सिंह यह चूसलेवाल दा रहने वाला जिला तरन तारण दा, हरप्रीत सिंह यह धंगाले दा है, जशनप्रीत सिंह यह सीतोवाली झुग्गिया तरन जिला तरन तारण दा रिहायशी है, गुरमनप्रीत सिंह ये पट्टी का रिहायशी है। ये 5 व्यक्ति वरना गड्डी विच सवार सन जो इन्होंने पुलिस से फायरिंग की है। खुशप्रीत सिंह ने करीबन 3 राउंड जिहड़े ने पुलिस पार्टी वाल जिहड़े फायर किए, उस तों बाद पुलिस पार्टी वालों इन्हू वार्निंग दी गई। आफ्टर दैट जो सैल्फ डिफेंस गोली चली है इसकी लत लगी है, तो उस तों बाद इन्हू इन्हों 5 नू राउंड अप किया गया। जिहड़ा इंजर्ड सी खुशप्रीत सिंह इसनों हॉस्पिटलाइज किया गया है। मुढ़ली इंटैरोगेशन दे विच गल सामने आई है कि जिहड़ा यह खुशप्रीत सिंह है यह 1/10/2024
ਘੜਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁੱਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਿਸਟਲ ਜੋ ਹੈ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਅਤੇ 3 ਖੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੋ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ, ਅਤੇ 5 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਰਾਕ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਓਂ ਕੀ ਤਸਕਰੀ ਔਰ ਸੜਕ ਅਪਰਾਧ ਸੇ ਨਿਪਟਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਵੈਧ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਓਂ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਤਰਨ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ 5 ਸੰਦਿਗਧੋਂ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਹੈ, ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਸੇ 32 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 35 ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਔਰ 12 ਬੋਤਲ ਅਵੈਧ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਏ ਗਏ ਆਰੋਪੀਓਂ ਮੇ ਸੇ ਦੁਲੇਤਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋਰਾਵਰ ਉਰਫ ਸੋਨੀ ਕੋ ਗੁਰਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਕਰੀ ਸਥਲ ਪਰ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਕੇ ਸਾਥ ਪਕੜਾ। ਦੁਬਈ ਕਲੋਨੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਾਂਦੀਆਂ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕੋ ਲਾਂਬੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਸਥਲ ਪਰ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਔਰ 35 ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਪਕੜਾ। ਸਫੀਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਪੰਚੂ ਕੋ ਲਾਂਬੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਬੋਤਲ ਅਵੈਧ ਸ਼ਰਾਬ ਕੇ ਸਾਥ ਪਕੜਾ। ਮੁਹੱਲਾ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਔਰ ਰਜਨੀ ਉਰਫ ਰੱਜੀ ਕੋ ਫਿਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਸਥਲ ਪਰ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਕੇ ਸਾਥ ਪਕੜਾ। ਉਕਤ ਬਾਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਿਸ਼ਠ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਕਸ਼ਕ ਹਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ ਨੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਓਂ ਕੋ ਸਥਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਹਾਂ ਉਨਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਗਤੀਵਿਧੀਓਂ ਕੀ ਆਗੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਰੰਭ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੁਹੱਲਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ SG ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਸੇ ਹੁਆ। ਪਾਂਚ ਪਿਆਰੋਂ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮੇਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਕੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰ ਬੈਂਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੰਗਤ ਔਰ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਔਰ ਭਜਨ ਗਾਤੀ ਭਾਵ ਵਿਭੋਰ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੇ ਮਾਰਗ ਕੋ ਗੁਰੂਮੇ ਕੀਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮੇਂ ਗਤਕਾ ਪਾਰਟੀਓਂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਗਤਕੇ ਕੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮੇਂ ਵਿਭਿੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ, ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾਏ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੁਹੱਲਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ SG ਕਾਲਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕਰ ਮੰਡੀ ਰੋਡ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ, ਮਿਲਾਪ ਚੌਂਕ, ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ, ਪੰਚਵੀਰ ਚੌਂਕ, ਖਿੰਗਰਾ ਗੇਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚੌਂਕ, ਮਹੀਰਾ ਗੇਟ, ਪਟੇਲ ਚੌਂਕ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੁਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਸਥਲ ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ ਮੇਂ ਆਕਰ ਸੰਪੰਨ ਹੁਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਸਥਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਸਦਸਿਓਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਗਠਨ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮੇਂ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੂਹ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਭਾਜਪਾ ਦਿਹਾਤ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀ, ਆਪ ਨੇਤਾ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ, SGPC ਸਦੱਸਿਆ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ, ਪੂਰਵ CPS ਕੇੜੀ ਭੰਡਾਰੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੁਨੇਜਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਇਲਟ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਾਬਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸ਼ੀਰਪੁਰਾ, ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਹੇਜਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੋਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਪਲੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁੰਬਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ,
अर्शदीप सिंह, जसकीरत सिंह जस्सी सहित सेवा सोसाइटी और विभिन्न धार्मिक सामाजिक जथेबंदियों से जुड़े कई पदाधिकारी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरभागी साध संगत, आप सारिया संगतां नूं सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंजक चानण होवा। सतगुरु नाम दे पातशाह जी दे प्रगट दिवस दियाँ आप सारिया संगतां नूं बहुत बहुत बधाइया होण जी। जो अज नगर कीर्तन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की छत्रशाला पंजा प्यार की अगवाई दे विच महला गोबिंदगढ़ तो आरंभ होया, जो सेंटर टॉम जाके समाप्त होगा। धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी जिन्होंने सामने भले वास्ते सानू रब्बी बाणी बख्शी की, जिस बाणी में सच्चे पातशाह सानू बहुत ज्ञान बख्शिया, सोझी बख्शी, जिन्होंने मालिक भागो नू यह दर्शाया सी कि गरीबों का खून निचोड़ना ठीक नहीं। भाई लालो की कमाई में महाराज ने दसिया जी अमृतमयी कमाई है दसा नौ की किरत, तो गुरसिखा वास्ते पातशाह ने यह बढ़ाया सी कि दसा नौ की किरत जी सब तो उत्तम आ। दसा नौ की किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना, तो सिमरन करना, गुरु साहब नूं चेते रखना। धन गुरु नानक पातशाह ने साडे भले वास्ते दस जामे धारण किए, दसा ही जामे विच महाराज ने सानू बाणी दे बाणी की बख्शी की, सिमरन की बख्शी की। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। रब का सिमरन सब ते ऊचा, रब कै सिमरन उधरे मूचा। पातशाह कृपा कर भी कर इशनान, सिमर प्रभ अपना। मन तन भय अरोगा, कोट बिघन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा। गरीब नवाज ने अपार कृपा की, साध संगत ने नगर कीर्तन की आरंभता जो 1928 सिख धर्म के प्रचार वास्ते प्रसार वास्ते ये ड्यूटी मिली सी संत महाराज बाबा बसंत सिंह जी निर्मल कुटिया जौलां वाले सेवक संत महाराज बाबा ज्ञान बसंत हरनाम सिंह जी, सेवक संत बाबा हरनाम सिंह ज्ञान वालों के जो संपर्दाय श्रीमान 108 संत बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले विचों, जो ये संपदा धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के पंज प्यारे विचों मुखी बाबा दया सो चलती आ रही है। साध संगत अज जलंधर शहर में इलाके दी संगतां सिंह सभावां रल के जो नगर कीर्तन सजा रही, ये नगर कीर्तन का एक मूल मंतव आ कि अपने धर्म नाल जुड़ना, किसी धर्म नूं ठेस नहीं पहुँचाउणी, ते जो भाईचारक सांझ आ उहनूं बना के रखना आपस विच ही। क्यों महाराज बाणी कृपा कर भी अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। गरीब नवाज ने कृपा की, दस जामे धारे आ, दसवें जामे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कृपा की, खालसा पंथ की साजना की, वचन किए भी खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटो खालसा परमात्मा की मौज। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दूँ सब मैं सारा। खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरे प्राण को प्राण। गरीब नवाज ने कृपा की, सचखंड जान लग्या सानू बाणी लड़ लाया। कृपा की, आग्या पई अकाल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गरीब नवाज ने अपार कृपा की, संगता गुण गा रही हैं। ये दैनिक सवेरा वाले जो सज्जन आ जो बहुत ही चंगा कर्म कर रहे हैं, संगतान नूं दूर दूर बैठिया नूं यह कवरेज करके लाइव राही ही दर्शन करवा रहे। आपां बाणी पढ़िए, सिमरन करिए, अमृत छकी रहता रखिए। गरीब नवाज कृपा करन, गुरु नानक तात दियाँ बहुत बहुत बधाइयां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर लगाम लगाने और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रात्रिकालीन विशेष अभियान चलाया। ACP मॉडल टाउन जालंधर के नेतृत्व में 9 से 11 नवंबर तक रात 8 बजे से 11 बजे तक पुलिस थाना डिवीज़न नंबर 4 और डिवीज़न नंबर 7 के क्षेत्रों में ये अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान में SHO और ERS टीमों ने मिलकर जालंधर पुलिस के निर्देशों का सख्ती से पालन किया। इस दौरान कुल 125 वाहनों की जाँच की गई और शराब सेवन की पुष्टि के लिए ब्रीथ एनालाइजर का उपयोग किया गया। कुल
40 चालान जारी किए गए। इसके अतिरिक्त दस्तावेजों की कमी के चलते 6 वाहन जब्त किए गए। ये विशेष अभियान चरंतर पुलिस की ओर से सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने और शराब की दुकानों के आसपास वैध गतिविधियों पर रोक लगाने के निरंतर प्रयास का हिस्सा है। जालंधर पुलिस की सख्त कार्रवाई के साथ शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास जारी रहेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सर, स्पेशल नाकाबंदी की गई उसके बारे जानकारी देना। जालंधर कमिश्नरेट इज फुली कमिटेड इन मेकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ जालंधर सेफ। एज पार्ट ऑफ दैट कमिटमेंट, फॉलोइंग द डायरेक्शंस ऑफ सीपी जालंधर, अ स्पेशल ड्राइव वाज ऑर्गेनाइज्ड to crack down on traffic violators with a special focus on preventing the sale of liquor in public places. Is vaste SHOs, ERS team ate field media team vallo shanivar ate somvar vakh vakh jagah te special nakabandi kiti gayi, jis dauran kul 125 vehicles check kite gaye, jinna vichon 41 challans kite gaye, 11 drink and drive te, 12 without helmet te, 5 without number plate, 5 ट्रिपल राइडिंग दे, 2 इलीगल ब्लैक फिल्म दे, अते 6 व्हीकल्स जिन्हां विचों वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं सी उन्हां नूं इंपाउंड किया गया। आई आल्सो अर्ज द सिटीजंस टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड स्टे सेफ। करीब 15 वर्षों बाद द अमृतसर बार पेंटिंग एसोसिएशन में हुई अहम बदलाव के तहत अब उसकी कमान शहर के प्रमुख उद्योगपति, अनेक औद्योगिक संगठनों से जुड़े तथा पूर्व पार्षद कृष्ण कुमार कुक्कू के हाथों में होगी। दरअसल कुक्कू अलग अलग औद्योगिक यूनिटों की समस्याओं को लेकर सरकार से रूबरू होते रहते हैं। उन्होंने कई मसले हल भी करवाए हैं। वहीं यही वजह है कि एक अनुभवी व्यक्ति के हाथ में एसोसिएशन की जिम्मेवारी दी गई है। अपनी नियुक्ति पर कुक्कू ने सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि उनको दी गई जिम्मेदारी को निभाने में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। इसके लिए सदस्यों का भी सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एसोसिएशन के बाकी पदाधिकारियों की नियुक्ति कर निटिंग उद्योग की मौजूदा स्थिति पर गहन विचार कर उससे पहले से और प्रफुल्लित करने की रणनीति बनाई जाएगी। इस अवसर पर गोविंद बासल, निर्मल सुरेखा, विद्यासागर शर्मा, अनिल कुमार, राज खन्ना, रजनीश कुंद्रा, सुरेंद्र कुमार सहित कई उद्योगपति उपस्थित रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं ऑलरेडी अमृतसर दे विच टेक्सटाइल प्रोसेसिंग एसोसिएशन दा ते करड़ाई अमृतसर दा प्रेसिडेंट हाँ। तो मैनू बड़े मान ते सत्कार नाल अमृतसर वार्प नीटिंग एसोसिएशन दा प्रेसिडेंट जड़ा ने, सारी एग्जैक्टिव टीम ने, सारे हाउस ने, जनरल हाउस है साढ़े अमृतसर शहर दे विच तकरीबन 400 यूनिट सीगे वार्प नीटिंग एसोसिएशन वार्प नीटिंग दे, जिन्हां दे विचों 150 मैंबर आ इहदा अज एक्टिव इंडस्ट्री रह गई आ, जिहदे विचों जनरल हाउस की कॉल करके सानूं इह 15 साल पहलों एसोसिएशन बनी सीगी, मैनूं एज अ प्रेजिडेंट मेरे सिर ते जिम्मेवारी दित्ती आ और असीं इह कोशिश करांगे कि इस इंडस्ट्री की नवीं जिन्नी भी टेक्नोलॉजी आ उहनूं इंट्रोड्यूस करके और सरकार दे नाल मिल के सरकार तों जो बेनीफिट मिल सकदा उह लै के और इंडस्ट्री लई वध चढ़ के मदद करिए। जिहड़े इंडस्ट्री दे सब तो पहलों साडा जिस तरह जिहड़ा बैड डेट्स ने साडे जिथे जिथे बाहर असीं कपड़ा भेज गया, सब तो पहलों सरकार अगे मंगे ओह करदे आ कि इत्थे गुजरात दी तर्ज दे उत्ते इत्थे भी इंडस्ट्री वास्ते वक्खरे इक पुलिस स्टेशन बनाया जावे कि इंडस्ट्री दा पैसा जिहड़ा मरदा वा जिहड़ा बंदा विलफुली उहनूं धोखा दिंदा इंडस्ट्री नूं उहदे उत्ते कारवाई कीती जा सके। दूजी असीं इह चाहुंदे आ कि जिहड़ा अपना इत्थे सरकार अगे मंग करदे आ कि एंड प्रोडक्ट अमृतसर दे विच गारमेंट दा जिहड़ा उह इक फार्म गारमेंट दा पार्क बनाया जावे, टैक्सटाइल पार्क गारमेंट वास्ते बनाया जावे जिहदे विच एक्सट्रा सबसिडी जां एक्सट्रा कोई ना कोई बेनीफिट दे के एंड प्रोडक्ट अमृतसर दे विच रेडीमेड गारमेंट्स बनना शुरू होया, क्योंकि पंजाब दे विच अमृतसर ते इंडस्ट्री लगी आ, इंडस्ट्री दा कपड़ा बन के सूरत, बॉम्बे, दिल्ली, लुधियाने हर जगह दे उत्ते वार्प नीटिंग दा कपड़ा बनता वा, लेकिन अमृतसर दे विच अजे तक मैनुफैक्चरिंग यूनिट कपड़े दे गारमेंट दे नहीं आए। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੇ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਸਿਲਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਮੇ ਖੋਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਮੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਚੰਚਲ ਅਗਰਵਾਲ,
बीना जिंदल और जीपी जिंदल उपस्थित रहे। समारोह में सोसाइटी की चेयरपर्सन कुसुम शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया और प्रधान अंजू शमी ने प्रशिक्षण में शामिल महिलाओं को आवश्यक नियमों से अवगत करवाया। मंच संचालन सचिव संतोष गुप्ता ने किया और सोसाइटी की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान दो महिलाओं को प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रमाण पत्र और सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बच्चियों को शील्ड प्रदान की गई। साथ ही संस्था ने बाढ़ पीड़ितों की मदद और स्लम क्षेत्रों में बच्चों के लिए स्कूल बैग, स्वेटर, जूते व अन्य सामान का वितरण भी किया। इस अवसर पर जोयसी मित्तल, पूनम मकारी, बीनापुरी, नीना मल्होत्रा, चंचल भगत, नीना शर्मा, रेखा कुमार, मिसेज गांधी, किरण मल्होत्रा, चंदर किरण और सरला शर्मा भी उपस्थित रही। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं कुसुम शर्मा, चेयरपर्सन ऑफ नारी चेतना वेलफेयर सोसाइटी दे। असी अज रामदास नगर दे विच कोशिश फ्री स्कूल विच दसवां सिलाई सेंटर खोलन जा रहे हाँ। ये स्कूल जड़ा ये सारे साढ़े जिंदल सर दे सहयोग नाल और नारी चेतना वेलफेयर सोसाइटी दे सारे मैंबर्स दे सहयोग नाल खोलन जा रहे हाँ। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बच्चों के कोलों कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। मशीनस साढ़े वालों साड़ी सोसायटी वालों प्रोवाइड की जाएँ ने और जी टीचर्स की पे आई सोसायटी वालों दी जाती है। असी उस परमात्मा के लख लख शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने सानू एक सेवा करन दा मौका दिता। कम से कम साढ़िया 350 लड़कियाँ इस टाइम सिलाई सीख चुकिया हैं और अज जड़ा असी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होएगी क्योंकि पुराने बैच की सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होन जा रही है। कम से कम 30 लड़कियां नू सर्टिफिकेट दिते जाएंगे और आज जिहड़ा बैच नया स्टार्ट होन जा रहा वो 40 लड़कियां जिहड़ियां कि नए बैच के विच लवांगे क्योंकि 70 गर्ल्स ने जिहड़ियां कि सिलाई सीखना चाहुंदियां ने। असी वेटिंग दे विच लड़कियां नू रखिया गया। असी इस इलाके दे बहुत ही थैंकफुल हाँ जिन्हां दा सानू भरमा हंगारा मिलदा और जिंदल सर का सानू पूर्ण सहयोग मिलता जिन्हें करके असी आज सिलाई सेंटर खोलन जा रहे हैं। साड़ी सोसाइटी बहुत सारे होर काम कर रही है, एक नहीं अणगिणत काम जिहड़े कि असी लेडीज़ नू अपलिफ्टिंग लई सारा काम करते रहने हैं। असी इन्ना ही कहिंदे होए मैं सारयां दा तहे दिलों धन्नवादी हाँ और खास करके दैनिक सवेरा टीम की जिहड़ा कि इत्थे पहुँचे ने, असी उन्होंने थैंकफुल हाँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं अंजू शर्मा, नारी चेतना की प्रधान। ये हमारे कुसुम जी है चेयरपर्सन, ये बाटला जी है कैशियर और हमारी ये संजू जी है सेक्रेटरी। हम सब मिल के ये काम कर रहे हैं, फ्री सिलाई स्कूल खोल रहे हैं। ये हमारा 10वां सिलाई स्कूल है, बिल्कुल पैसे नहीं लेते। हम गरीब बच्चों की सहायता करते हैं कि वो कुछ बन सके अपना काम करके। ये सिलाई स्कूल उन बच्चों के लिए है जिनको कुछ भी नहीं आता, घरों का काम करते हैं। घर का काम करने के बाद भी वो स्कूल आते हैं, स्कूल आके वो सिलाई सीखते हैं। सिलाई सीखने के बाद वो घर जाके सूट सिलते हैं, वो अपना काम करते हैं रोज़ का। वो उन्होंने हमें बताया कि हम रोज़ का 200-300 रुपये का घर पर काम कर लेते हैं, किसी का छोटा सूट करना, बड़ा करना, ये वो सिलाई का बहुत काम करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए ये फ्री सिलाई स्कूल के लिए हम धन्यवादी हैं जिन्होंने हमें ये जगह दी है। उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स और दैनिक सवेरा का बहुत बहुत थैंक्स। मैं आज कोशिश फ्री स्कूल में नारी चेतना वेलफेयर सोसाइटी द्वारा तीसरे फ्री सिलाई केंद्र का इनके शुरू करने के शुभ अवसर पर आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है हमारी चीफ गेस्ट मिसेस चंचल अग्रवाल जी, तालियों से स्वागत किया जाए। ये चंचल अग्रवाल जी अग्रवाल कंपनी के मालिक श्री सुमन अग्रवाल जी की पत्नी है। सुमन अग्रवाल जी हमारे मेंबर हैं वैसे, और मेरी धर्मपत्नी बिना जी नजी की बड़ी बहन की बेटी है। श्री सुमन अग्रवाल जी हमारे कोशिश ट्रस्ट के मेंबर भी हैं और जलंधर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिंग कमेटी की विशेष मीटिंग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यालय में कमेटी प्रधान एडवोकेट हरचंद्र सिंह धामी की अध्यक्षता में की गई, जिसमें
एसजीपीसी के अलग अलग पदाधिकारी और अंतरिम कमेटी के सदस्य शामिल हुए। इस मीटिंग में श्रोमणी कमेटी का सुचारू रूप से प्रबंधन चलाने, गुरुद्वारा साहिबान और शिक्षण संस्थाओं के काम काज संबंधी और पंथक मामलों पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर प्रधान धामी ने मीटिंग से पहले सभी संगत को भगत नामदेव जी के जन्मदिवस की बधाई दी। वहीं उन्होंने सभी को सिख धर्म सहित अन्य सभी धर्मों का मान सम्मान करने की बात भी कही। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील फोसला की रिपोर्ट। आज मीटिंग कर तो पहला मैं साडे इस मनुखता दे क्रांतिकारी भक्त जिन्हां भक्तां ने बहुत सज्जत भी सहया ते जिन्हां दी पवित्र सतगुरु जी ने गुरबाणी नूं गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी बहुत वड्डा स्थान बख्श कीता। भगत नामदेव जी दे जन्मदिन दी सारी समुची गुरु नानक नाम देवा माई भाई ते समुची मनुखता नूं बहुत बहुत वधाई। दूसरी ये 28 तरीक नूं जदों साडी चोण होई सी हाउस दी ते उहदे विच फिर हर साल की तरह जिहड़े एग्जैक्टिव दे मैंबर साहिबान अहुदेदार साहिबान उन्हां दी अज प्रेरकी मीटिंग सी, सब तो पहली मीटिंग सी जिहदे विच कुछ साडे रूटीन मैटर तो होंदे ही आ पर तीन चार जिहड़े पचीता मसले जिहड़े सिख धर्म दे नाल संबंधित आ उन्हां दी भी बहुत गंभीरता नाल विचार होई ते उन्हां दे अंतर कमेटी वालों जिहड़े ओह मते भी लियांदे गए। सब तो पहला श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी भारत अंदर हवाई अड्डिया ते सिख कर्मचारियों नूं कृपान पहन के ड्यूटी करन तो रोकण दी सख्त शब्दों विच निंदा करती है। अपने ही देश अंदर यह वितकरा सिखां दी धार्मिक आजादी ते वड्डा हमला है। श्री श्याम मित्र मंडल की ओर से श्री श्याम प्रभु खाटू वालों का 23वां भजन संध्या महोत्सव सिटी सेंटर के गुरु नानक ऑडिटोरियम में मनाया गया। इस अवसर पर सवा मणि प्रसाद का भोग वृंदावन गार्डन कॉलोनी की श्री श्याम धाम मंदिर में विराजित श्री श्याम प्रभु खाटू वालों को लगाया गया। इस संबंध में मंडल के संरक्षक रमेश मित्तल ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार 23वीं भजन संध्या सिटी सेंटर के गुरु नानक ऑडिटोरियम में बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान कोलकाता से आए सुप्रसिद्ध भजन गायक विवेक शर्मा, फतेहाबाद से भजन गायिका गुंजन मेहता व दिल्ली से हर्ष शर्मा ने अपने मधुर कंठ से श्री श्याम प्रभु जी की महिमा का गुणगान किया। इस दौरान श्री श्याम बाबा के आशीर्वाद के रूप में लकी कूपन द्वारा ड्रॉ भी निकाला गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। श्याम मित्र मंडल वालों तेईवां जागरण कराते खाटू जी महाराज का और बड़े सालों तो इतने लोग बड़े उमूम आ के पहुँचते हैं और मैं समझता कि जेडे भी इहदा ऑर्गनाइज करते मैं उन्होंने मुबारकबाद कर देना कि महाराज नाल जोड़ते हैं और मैं गल समझदा जेडे लोग महाराज नाल जोड़ते हैं प्रभु नाल जोड़ते हैं वो भी महान होंगे ने और एक रस्ते ते लैके आंदे ने जिहड़े लोकां दी दुनियादारी जिंदगी विच चीज़ां उन्हें छड के खाटू महाराज दा जिहड़ा वो आशीर्वाद लैंदे ने और जिहड़े लोग इत्थे आंदे ने उन्हां नूं खाटू महाराज जिहड़ा
जिस तरह के तुहानू सब नू पता है ये 23वां समागम जड़ा है खाटू श्याम जी का हो रहा है और पिछले 23 साल तो रेगुलर ही हो रहा है। पहले धर्म सिंह मार्केट होंदा सी, पिछले 7-8 साल तो गुरु नानक ऑडिटोरियम हो रहा है। साढ़े शर्मा जी 23 साल तो ही साढ़े जागरण के नाल जुड़े हुए हैं और सवेरे शाम अपना दो टाइम इन्होंने इतने हाजिरी की लानी लानी है। असि इन्हों के बड़े शुक्रगुजार हाँ कि इन्हों की बाबा नाल इन्नी जड़ी है श्रद्धा बनी हुई। दूसरा समागम तो पहले असी सब डिपार्टमेंटा को परमिशन लैने डीसीपी साहब तो परमिशन लिती जाती है और डीसीपी साहब जड़े ने कंसर्न पुलिस स्टेशन लाइन एंड सिक्योरिटी वाले भी इतलाह देंदे ने, लेकिन बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा है कि पिछले 2 साल तो सानू सिक्योरिटी के ना की कोई चीज नहीं मिलती पई और असं बड़े हैरान होंगे कि शहर के विच इन्ने समागम होंगे ने वो किस तरह चलते पे ने, किस तरह होंदा पे, सब रब राखा ही है। असी तो यही समझने कि साढ़े बाबे की कृपा है कि सब कुछ ठीक ठाक इतने हो जाता है। सानू बड़ा अफसोस है पुलिस डिपार्टमेंट के उपर कि उन्होंने अज तक पिछले 2 साल तो कोई ख्याल नहीं किया, हालांकि दोनों MLA ने कहने के बावजूद भी, अपना कुंवर साहब ने भी कहने के बावजूद और डॉक्टर अजय गुप्ता ने भी कहने के बावजूद सानू कोई पुलिस सिक्योरिटी नहीं मिली। ये सब रब राखा चलता पे है और असं यही बाबे को कृपा करा कि बाबा सा सुख शांति जरा समागम पूरा करवा दें। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा चौंक अड्डा होशियारपुर जालंधर की तरफ से प्रभात फेरी निकाली गई। ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा कर वापस गुरुद्वारा साहिब में आकर संपन्न हुई। इस अवसर पर ज्योति छट्टा परिवार की ओर से पुष्प वर्षा कर तथा विशाल लंगर लगाकर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया गया। इस अवसर पर ज्योति चड्डा, पीयूष चड्डा, कृष्ण चड्डा, नवल शाह, धर्मेंद्र पटेल ने माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किए। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के CIA स्टाफ की टीम ने गैंगस्टर घनश्याम पुरिया गैंग के 5 सदस्यों को मुठभेड़ के दौरान किया काबू। एक पिस्तौल, 32 बोर, 7 जिंदा रौंद, 3 खोल, 1 वर्णाकार और 5 मोबाइल फोन किए बरामद। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने नशीली दवा की तस्करी करने वाले 5 आरोपियों को किया काबू। 32 ग्राम हेरोइन, 35 नशीली गोलियां और 12 बोतल अवैध शराब की बरामद। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा सिंह सभा मोहल्ला गोविंदगढ़ से निकाला गया नगर कीर्तन। संगत ने जगह जगह लंगर लगाकर और पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।